अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन क्रिस्पी, जो कि बहुत आसान और बहुत यम्मी डिशेस बनाता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट देख लेंगे हम। यहाँ पे मैंने ले लिया 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको स्ट्रिप कट कर लिया। उसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून मैंने ब्लैक सोया सॉस डाला। लाइट सोया सॉस है तो आप लोग 1 टेबल स्पून डालिएगा। 1 टीस्पून मैंने डाला वेनेगर, 1 टीस्पून डाला मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यही मैंने जो चम्मच दिख रहा है आप लोग को, वही चम्मच के हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। और इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। फिर उसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट, हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। फिर हमें ले लेना है मैदा 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही हमें लेना है कॉर्नफ्लावर भी, और 1 अंडा हम इसके अंदर डालेंगे। और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें 5 से 10 मिनट ही मैरिनेट करना है, ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना है। और फिर हम उसको, जब वो मैरिनेट हो जाए, तो हम एक कढ़ाई ले लेंगे या फ्राई पैन, जिसमें भी आप उसमें तेल डालिए और उसको डीप फ्राई करना है। एक एक स्ट्रिप डालिएगा ताकि वो चिपके नहीं एक दूसरे को। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से डाल रही हूँ और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने उसको एक प्लेट में निकाल कर रख दिया साइड में। फिर मैंने दूसरा फ्राई पैन लिया, उसके अंदर मैंने यही फ्राई का ऑयल डाला थोड़ा सा। उसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक को चॉप करके, और 1 टेबल स्पून ने डाला हरा कांदे का, जो व्हाइट पार्ट होता है वो, उसको 1 मिनट सॉटे किया। फिर यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को, 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च को 1 घंटा भिगाया, और उसको मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना दिया। और फिर मैंने उसके अंदर ऐड कर लिया। ये रेस्टोरेंट वालों की एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होती है, जिससे हमें जो टेस्ट और कलर आता है वो इसी से आता है। फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया थोड़ा ग्रीन चिली डाल दिया, टेस्ट के हिसाब से आप अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसको थोड़ा पकाया 1 से 2 मिनट। फिर उसके अंदर ऐड कर लिया 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून मैंने डाला वेनेगर, नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला कलर ताकि कलर अच्छा दिखे। फिर उसके अंदर डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून भरकर टमेटो केचप, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इन सबको सॉटे करने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया डाइस किया हुआ बड़े बड़े क्यूब में ऑनियन और शिमला मिर्च। उसको 1 मिनट ही ढक कर रखा और बस उसको खोला और उसको सॉटे किया। हमें वेजीज को क्रंची रखना है, उसको एकदम भी पकाना नहीं है। तो इसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे हमारा जो चिकन फ्राई किया था वो, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सॉसेस में कम है, आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। या फिर मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका मेंशन कर दूंगी मेजरमेंट, और उसको मैंने ऐड किया और उसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। हमें एकदम भी ड्राई नहीं करना है उसको, सॉस एकदम भी आप सुखा मत दीजिएगा, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा। ये जो एक दिख रहा है आपको, एक मसालेदार ऐसा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग उसको ज़्यादा मत पकाइएगा, बस 1 से 2 मिनट ही पकाइएगा, बस उसके बाद बनकर रेडी हो जाता है आपका क्रिस्पी चिकन, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल था, बहुत ही यमिलेशियस था। आप लोग उंगलियाँ चाट जाओगे, इतना ही यमिलेशियस था। तो आप लोग ही बनाइए आप लोग के घर में, मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी माई इंस्टाग्राम आई डी, और जाके मेरे शॉर्ट्स भी देखा करिए आप लोग प्लीज़।